गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज आपको मैं किचन टूर करवा रही हूँ। मेरा एक्चुअली छोटे से किचन में सामान रखना बहुत ही परेशानी वाला काम है, और आप छोटे से किचन में अरेंज करके सामान को बहुत अच्छे से कैसे रख सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर चिमनी के पास में मेरे दो राइट और लेफ्ट दो ड्रॉर्स हैं, और ऊपर से भी कुछ ड्रॉर्स दिए हुए हैं। तो ऊपर मैं अधिकतर सामान वो वाला रखती हूँ जो थोड़ा कुछ दिनों के बाद मैं यूज़ करती हूँ या एक आध महीने में मुझे चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने सामान की कुछ सेटिंग भी कर रखी है। और सबसे पहला जो ड्रॉअर है वो है सिलेंडर का। इसके बाद यहाँ पर तीन ट्रॉली दी हुई है। इसके बाद एक कॉर्नर है, और कॉर्नर में भी काफ़ी सारा सामान मेरा आ जाता है। इस तरफ से भी तीन ट्रॉली दी हुई है, और किचन काफ़ी छोटा ही है, पर सामान इसमें किस तरह से आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और किचन काफ़ी छोटा है तो इसी में ही मैंने फ्रिज भी रख रखा है। तो इस तरफ से मेरा फ्रिज भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी आपको मेरा किचन काफ़ी खाली दिख रहा है क्योंकि खाने का लंच टाइम अभी ख़त्म हो गया है, तो मैंने किचन को एक बार क्लीन कर दिया है। तो आइए हम आप शुरू करते हैं। किचन के ये दो ड्रॉर्स मैंने एक्स्ट्रा निकलवाए हैं, और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। दो पोर्शन में ये ड्रॉर है। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में मैंने कुछ क्रॉकरी रख रखी है, कांच के ग्लासेस वगैरह जो मुझे यूज़ में आते रहते हैं। यहाँ पर आपको मसालदानी दिखेगी। तो बार बार मुझे चिमनी के पास वाले ड्रॉर्स खोल के उन्हें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, मसालदानी इसी में मैं अरेंज करके रखी है। अब सेकंड वाला ड्रॉर मैं आपको बता देती हूँ, इसे हम खोल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नमकदानी रख रखी है, और हैंड ब्लेंडर मैंने इसमें रखा है क्योंकि मेरे यहाँ फ्रीक्वेंटली ब्राउन ग्रेवी बनती रहती है, तो इसे इजीली मैं यहाँ से निकाल कर और इसी में रख देती हूँ। और अब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ मैंने शक्कर और चाय पत्ती के डब्बे रख रखे हैं, और मेरे यहाँ चाय में अक्सर लौंग और इलायची का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डब्बी भी मैंने साथ में रखी है ताकि चाय बनाते समय मुझे बार बार ऊपर का पोर्शन खोलना ना पड़े। और ऑयल जो मैं तड़का या खाना बनाने में यूज़ करती हूँ वो मैंने एक प्लेट में रख रखा है ताकि नीचे जो पेपर है वो थोड़ा ऑयली नहीं हो। और चाय में मुझे शुगर फ्री वगैरह जो यूज़ होती है वो भी मैंने इसी ड्रॉअर में रख रखी है, तो ये सब बहुत इजी हो जाता है, और ऊपर के मेरे ड्रॉअर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। चिमनी के राइट साइड वाला ड्रॉअर मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसे हम खोल देंगे। और इसमें मैंने ऊपर के पोर्शन में कुछ स्टील के डब्बे रख रखे हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा धनिया जीरा वगैरह डाल के रखा हुआ है। तो अब नीचे के पोर्शन में हम आते हैं। यहाँ पर मुझे सैंडविच मेकर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये चॉपर है इलेक्ट्रिक, ये भी मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। दो ट्रेस में मैंने अरेंज कर रखी है, और ये है हमारा काली जीरी और मेथी दाना का पाउडर जो हम लोग सुबह रोज़ गर्म पानी के साथ लेते हैं, और गर्मी है तो एक ग्लूकोज का बड़ा पैकेट रखा है। साथ ही आपको यहाँ रबर बैंड दिखेंगे, जो भी चीज़ थोड़ी सी मेरी पैकेट में बच जाती है तो उसे मैं रबर बैंड लगा के और रख देती हूँ। तो ये दोनों ड्रॉअर मैंने आपको दिखा दिए। तो लेफ्ट साइड वाले ड्रॉअर में आपको दिखा देती हूँ, इसे हम खोल देंगे। तो ऊपर के पोर्शन में मैंने बड़ी बड़ी बर्नियाँ रख रखी है जिसमें दालें और मसाले वगैरह हैं, बेसन मैदा सारी चीज़ें इसमें मैंने अरेंज की हुई हैं। और नीचे के पोर्शन में मैं दूसरे मसाले रखे हुए हैं जो मुझे यूट्यूब में अक्सर काम आते हैं, जैसे सारे चिल्ली फ्लेक्स वगैरह हैं, मिक्स हर्ब्स हैं, या फिर सौंफ का पाउडर है। और यहाँ पर नीचे सारे खड़े गरम मसाले इस डब्बे में मैंने रखे हुए हैं, और ऊपर से मेरा होममेड अचारी मसाला है, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। राइट साइड में मैंने यहाँ पर चकला और स्पून्स और नाइफ वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ है, इसे मैंने थोड़ा ऊंचाई पे रखा है ताकि इसके नीचे से प्रॉपरली सफाई होती रहे। और यहाँ पर एक विंडो है, कोने में मेरा आरओ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
यहाँ सारी ज़रूरत की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो अब हम नीचे के पोर्शन में आते हैं। तो सबसे पहला मेरा ड्रॉर है सिलेंडर का, इसे हम खोल देंगे। तो यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है और एक हमाम दस्ता यहाँ पर मैंने रख रखा है और सारी पॉलीथीन वगैरह रख रखी है, जिसमें मैं कुछ डस्टबिन में जो पॉलीथीन यूज़ करती हूँ वो रखी हुई है, और ऊपर भी कुछ बड़ी पॉलीथीन रख रखी है मैंने यूज़ के लिए। सिलेंडर के पास ही मेरी तीन ट्रॉलीज और हैं। तो चलिए अब ट्रॉलीज़ में मैंने क्या क्या सामान और कैसे रखा हुआ है आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे फर्स्ट वाली ट्रॉली को। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से सामान मैंने अरेंज करके रखा है। नीचे मैंने इसमें प्लास्टिक लगा रखी है ताकि सारे सामान अच्छे से इसमें रखे रहें और साइड से गिरे नहीं। तो बड़े बड़े स्पून और ग्रेटर और छन्नी और कैंची की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये भी मैंने यहाँ रख रखी है। ये मेरी किचन की अलग से सीज़र है और टिश्यू पेपर यहाँ पर मैंने रख रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट ट्रॉली। सेकंड वाली ट्रॉली को भी हम खोल रहे हैं। तो इसमें मैंने चीनी के कप रखे हुए हैं और कुछ कटोरियाँ रखी हुई है जो स्टील की खाने में अक्सर यूज़ होती हैं, और दो कंटेनर आपको ये दिख रहे होंगे। इसमें मेरी सब्जी वगैरह अगर बच जाती है तो फ्रिज में स्टोर करके मैं रखती हूँ। ये माइक्रोवेव सेफ है और इनके ढक्कन भी हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूज़ में आते हैं। तो ये मेरी सेकंड ट्रॉली है। पहली ट्रॉली की तरफ आते हैं। तो इसमें मैंने कुछ अनब्रेकेबल बर्तन रख रखे हैं, थोड़ी सी प्लेट्स, टोंगे, स्पून्स और थोड़े बाउल्स, और इसी में मैंने सिल्वर फॉइल और क्लिंग रैप भी रख रखा है। तो ये मेरी तीसरी वाली ट्रॉली है। सब में मैंने नीचे प्लास्टिक का एक कवर बिछा रखा है, इससे बहुत ईजी हो जाता है सफाई करना भी और इन्हें रखने में भी ईजी होता है। ट्रॉलीज़ के पास मेरा एक कॉर्नर भी है। तो कॉर्नर में मैंने बहुत सामान अच्छे से अरेंज करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसे भी हम खोल के देख लेंगे। की तरफ आप देख सकते हैं मेरे चाय की पतीलियाँ हैं और पीछे मैंने कुछ कढ़ाई वगैरह रख रखी है। नीचे आटे का एक डब्बा रखा हुआ है और ये मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, और इसी के ऊपर सूखे आटे का डब्बा और बेलन रख रखा है, और जस्ट आटे के पीछे ही एक छोटे से डब्बे में मेरे चावल अरेंज किए हुए हैं। तो मुझे सारी चीज़ें निकालने में रखने में बहुत ईजी होती हैं। और इस तरफ एक और कॉर्नर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे सारे मेरे बड़े बड़े बर्तन आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ कढ़ाइयाँ, और पीछे काफ़ी सारा सामान है जो यूज़ कम करती हूँ मैं, वो मैंने पीछे रख रखा है। और यहाँ पर ऑयल की बड़ी बर्नी भी मैंने रखी हुई है। तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा सारा सामान इसमें आ जाता है। कॉर्नर के साइड ही मेरी तीन और ट्रॉलीज़ हैं, इसमें भी मैंने सामान अरेंज कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टील की थालियाँ, छोटी बड़ी और डिवाइडर वगैरह अरेंज किए हैं फर्स्ट ट्रॉली में। सेकंड ट्रॉली में मैंने कुछ ग्लासेस और क्वार्टर प्लेट्स रख रखी हैं जो मुझे खाना ढकने वगैरह के यूज़ होती हैं, या फिर कभी सब्जी वगैरह परोसने के काम आती है जो प्लेट्स, ये सारी क्वार्टर प्लेट्स हैं। तो इसमें मैंने ये रख रखी है ग्लासों के साथ, और ये मेरी तीसरी ट्रॉली है। इसमें मैंने छोटे छोटे डोंगे रखे हैं जिसमें कभी मैं सब्जियां धोती हूँ, या फिर कुकर जब खाली करके हम सब्जी निकाल के रखते हैं, तो काफ़ी तरह के डोंगे हैं जिसमें माइक्रोवेव सेफ बाउल्स भी हैं और छोंक लगाने की कड़छी भी है, छन्नियाँ वगैरह हैं। तो इस तरह से मैंने तीसरी ट्रॉली में ये सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं। इस सिंक के नीचे वाला पोर्शन है, इसमें मैंने कुछ टॉयलेट क्लीनर, सरसों का तेल एक्स्ट्रा, और ये सारी चीज़ें मैंने सोप वगैरह रख रखे हैं, हैंड वॉश वगैरह की चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें इसमें अच्छे से आ जाती हैं। अब सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है। तो चलिए इसमें मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके मैं ऊपर के ड्रॉर्स भी आपको खोल के बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे एक्स्ट्रा डब्बे और बर्नियाँ जो मेरी खाली है, अभी इसमें कुछ सामान भरना होता है तब मैं इसे उतार लेती हूँ, तो इसे मैं साफ करके ऊपर रख देती हूँ। और ये है मेरा इडली मेकर, जिसे महीने में एक आध बार मेरा यूज़ होता है,
तो इसे मैं अच्छे से एक पॉलीथिन में रैप करके ऊपर रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल क्लीन पड़ा रहता है। सेकंड ड्रॉर में मैंने दिवाली के लिए जो हम पूजा में ये छोटे से घर यूज होते हैं जिसे हम हटरी भी कहते हैं, ये गुजरात अहमदाबाद में इस तरह की मिलती है। आप हर बार पूजा करने के बाद क्लीन करके इन्हें अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। तो हर बार हर साल मैं यही यूज करती हूँ पूजा के टाइम दिवाली पर। और भी मैं आपको खोल के बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक कांच का जार है जो अचार वगैरह डालने के टाइम मुझे यूज आता है। इसमें सिलेंडर का एक्स्ट्रा पाइप और सारी एक्स्ट्रा चीजें जो गैस में यूज होती है वो है, और वाटर कूलर रखा है और एक्स्ट्रा थर्मस भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत कम यूज़ आती हैं, फिर भी मैंने इन्हें पॉलीथिन में रखा है ताकि ये अच्छे से क्लीन रहें। तो चलिए नेक्स्ट ड्रॉअर पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं और कांच के जग वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और इस पॉलीथिन में मैंने कांच के बड़े बड़े बाउल रखे हैं जो कम यूज होते हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला ड्रॉअर है, यहाँ पर भी मैंने एक पॉलिथीन रखी है। इसमें सारे मोबाइल्स के जो डब्बे हैं, कभी मोबाइल बेचना वगैरह रहता है तो वो सारे डब्बे मैंने इसमें रख रखे हैं। ये लास्ट ड्रॉअर में मैंने एक्स्ट्रा हेलमेट रख रखा है, और ये एक डब्बा है जिसमें एक्स्ट्रा बीपी चेक करने का है, ये कभी जब यूज़ करना होता है तो मैं यहीं से उतार लेती हूँ। तो आपने देख लिया मैंने किचन छोटा सा है पर किस तरह से इसे अरेंज किया है कि सारी चीज़ें सिस्टम। तो ये मेरा ऊपर का पोर्शन है फ्रीज़र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, फ्रोज़न मटर और फ्रोज़न सोया चॉप रखी हुई है, और कुछ पानी की बोतलें आइस। और सामान मैं वैसे भी थोड़ा कम रखना पसंद करती हूँ, तो मेरे किचन में आपको बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्रीन ग्रेप का क्रश है, और ये नीम पाउडर है, कड़वी नीम का पाउडर जिसे हमने सुखा के पीस के रखा है, और चॉकलेट है इसमें, थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने रख रखा है। और नीचे के पोर्शन में आइसक्रीम स्टिक्स हैं। चलिए अब नीचे का पोर्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रखा हुआ है दूध का पतीला, और इसके ऊपर एक ट्रे है जो पुराने फ्रिज की है, जब मैंने पुराना फ्रिज सेल किया था तो ये ट्रे मैंने अपने पास रखी थी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रख रखी हैं छोटे छोटे पॉलीथिन में डालकर, जैसे मगज़ हैं, खसखस हैं, छोटे छोटे पॉलीथिन जो हैं वो इस ट्रे में आ जाते हैं सबसे ऊपर। इसके बाद हमने दूध का पतीला रखा है, और साइड में एक बॉक्स में टिश्यू पेपर पर हरा धनिया, और इसके बाद नीचे सारी सब्जियां मैंने रख रखी हैं। तो इसमें भिंडी और टमाटर रखे हुए हैं, और इस ट्रॉली में बैंगन, शिमला मिर्च, ककड़ी और मैंगोज रखे हैं। पोर्शन अभी ज़रा मेरा खाली है, यहाँ पर मैं हरी चटनी रखती हूँ अक्सर पीसकर। होममेड कंडेंस मिल्क यहाँ पर रखा हुआ है, और पीछे दो कंटेनर में रखे हुए हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स, आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे का डिब्बा है इसमें भी कुछ सब्जियाँ रखी हुई है, इसमें भी थोड़ी एक्स्ट्रा भिंडी है, भिंडी मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो भिंडी का थोड़ा सा स्टॉक मुझे ज़्यादा ही रखना पड़ता है। के डोर के साइड में सबसे पहले पोर्शन में कुछ आई ड्रॉप्स की बॉटल्स आपको दिखेंगी, और फेशियल वाइप्स कुछ रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये गार्लिक का पोर्शन मेरा अलग है, तो गार्लिक को मैंने थोड़ा सा साफ करके डब्बे में भी रखा है और थोड़ी पॉलीथिन में भी, गार्लिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर टोमेटो केचप और मेयोनीज, और यहाँ पर आपको दिखेगी अलसी, और सोया सॉस की बॉटल है, आप देख सकते हैं। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने रखा हुआ है, जब कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर आपको दो बॉटल में
ठंडाई दिखेगी। ठंडाई की मैंने दो बॉटल्स बना के रखी है और ये आम पन्ना है जो इस बॉटल में मैंने भर के रखा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। तो ये मेरे दरवाजे पे मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं। इसके अलावा किचन के पास ही एक ड्रॉअर मैंने यूट्यूब के पर्पज़ से भी बनवाया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। इसमें मेरे छोटे बाउल्स जिसमें मैं कभी मेज़रमेंट के लिए चीज़ें दिखाती हूँ, यहाँ कांच के जो बाउल हैं और थंबनेल के लिए जो मैं प्लेट्स वगैरह यूज़ करती हूँ वो सारी मैंने इसमें रखी हुई हैं और केक टिन और बड़े कांच के बाउल वगैरह हैं। तो दोस्तों ये था मेरे छोटे से किचन का किचन टूर। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखें।